गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और क्लास अभी है थर्ड ईयर हिंदी मीडियम पेपर फर्स्ट भारत का भूगोल। हमने गत कक्षा में पढ़ा था उत्तरी भारत की नदियाँ। उत्तरी भारत की नदियाँ जिनमें हमने मुख्य मुख्य नदियाँ पढ़ ली थी, जैसे गंगा है, सतलज है, सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। इनके अलावा हमने चंबल नदी पढ़ ली थी, गंगा नदी पढ़ ली थी। फिर भी छोटी छोटी नदियाँ एक दो बच गई हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यह है श्रीलंका। देखिए, हम बात करते हैं उत्तरी भारत की नदियां, और उत्तरी भारत की नदियां हाँ इस वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जो गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र या सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उन्हीं को मैं उत्तरी भारत की नदियों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब देखो, हम बच गए थे राम गंगा नदी, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से और कोई भी एग्जाम आगे हो उसकी दृष्टि से मैं ये नदियाँ पढ़ा रहा हूँ। इन नदियों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी नदियाँ, इनका भी UPSC और RPSC में इनका महत्व होता है। जो भी आप आगे एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दो, उन्हीं में ये मुख्य रूप से इनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो आप लोग इनको भी आप याद कर लेना। देखो, रामगंगा की लंबाई है 600 किलोमीटर है लंबाई, ठीक है। और ये गंगा में बाईं ओर से आकर मिलती है, गंगा में बाईं ओर से आकर मिलती है। ये सर्वाधिक प्रमुख नदी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यह निम्न हिमालय में कहाँ से निकलती है? निम्न हिमालय से निकलती है और इसकी ऊंचाई है 3110 मीटर, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना। उद्गम स्थल है, राम गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र में 144 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह इलाहाबाद यूपी में है। गंगा में समाहित होती है, ठीक है। नंबर दो आगे वाली नदी आगे है शारदा। हिमालय से है, महान हिमालय से उद्गम है। ठीक है, यह लगभग कितने किलोमीटर है? 600 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और यह है किस नदी में मिलती है? घाघरा नदी में।
और घाघरा नदी में मिलने से पूर्व इसका नाम है चौका। चौका नाम है इसका, चौका नाम है। कहां से? घाघरा नदी में मिलने से, नदी में मिलती है। और जब ये घाघरा नदी में मिलती है, इससे पहले इसका नाम क्या है? चौका। नंबर आगे है गंडक नदी। नेपाल में इसे नारायणी, नेपाल में सालिग्रामी, इस नदी का नाम देखो, नेपाल में सालिग्रामी, और मैदान में, मैदान का मतलब होता है समतल मैदान में आने के बाद में, नारायणी कहते हैं। ठीक, यह नेपाल और चीन सीमा पर, नेपाल प्लस चीन सीमा पर लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, निकलती है। ठीक, और ये गंगा में बाईं ओर से आकर मिलती है, गंगा में बाईं ओर से मिलती है। कुल लंबाई 425 किलोमीटर, यह है लंबाई। ठीक, इसके बाद में आता है गोमती। गोमती नदी पीलीभीत जिले के 200 मीटर ऊंचे गोमताल से निकलती है, गोमताल से निकलती है, निकलती है। गाजीपुर में ये गंगा में समाहित हो जाती है, गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, निकलती है गोमताल से, पीलीभीत जिला है और गोमताल से ये निकलती है। अब है कोसी। कोसी नदी गुसाईनाथ के उत्तर में, गोसाईनाथ के उत्तर में लगभग 6770 मीटर ऊंचाई से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई है 730 किलोमीटर लंबाई है। और बिहार में बाढ़ लाने के कारण इसको कहते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक, क्योंकि जब बिहार में यदि बाढ़ लाती है ये, तो वहां पे जनधन की हानि होती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टोस नदी। टोस नदी की यदि हम बात करते हैं, कैमूर पहाड़ियों में स्थित है, कैमूर पहाड़ियों में स्थित स्थित है तमसा कुंड। कैमूर पहाड़ियां यहां पे है,
तैमूर पहाड़ियों के तमसा कुंड जलाशय से यह है निकलती है, उद्गम है ये। ठीक, फिर यह है इलाहाबाद के सिरसा के निकट, इलाहाबाद के सिरसा के निकट यह गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिले जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 265 किलोमीटर। 265 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई? ठीक है, ये छह प्रमुख नदियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मुख्य थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए अब आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, बात करते हैं हम लोग किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये लो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बिल्कुल छोटा सा है अध्ययन की दृष्टि से। देखो, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, किंतु प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह है भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से, प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है कितनी दूर से वो प्रवाहित होती है। एक तो होती है लंबी नदियां और एक होती है बड़ी नदियां। जिस नदी में पानी की मात्रा यदि ज्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं बड़ी नदी, और जिस नदी की लंबाई ज्यादा होती है उसको कहते हैं लंबी नदी। बड़ी नदी कब कहते हैं? जिसमें पानी का क्षेत्र ज्यादा हो, पानी ज्यादा आता हो, उसको कहते हैं बड़ी नदी। और लंबी नदी जिसकी वास्तविक जो लंबाई है वो ज्यादा हो, उसको कहते हैं लंबी नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उद्गम कहाँ है, तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार में स्थित कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर, कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल, और कितनी ऊंचाई से, लगभग 5150 मीटर, 5150 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। इसका उद्गम मानसरोवर झील, मान सरोवर झील का चेमायु गंडूक हिमनद है, चेमायु, चेमायु, चेमायु गंडूक, गंडूक हिमनद है। कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर स्थित जो मानसरोवर झील है, अब इस मानसरोवर झील में पानी कहां से आता है, चेमायु गंडूक हिमनद से, तो उद्गम स्थान कहां हुआ, कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के चेमायु गंडूक हिमनद से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 5150 मीटर ऊंचा है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र, मान लो ये यहां से निकलती हुई, यहां चक्कर खाती हुई, यहां चक्कर खाती हुई, यहां 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 ये बांग्लादेश में आ जाती, तो इसका अपवाह क्षेत्र चीन, भारत और बांग्लादेश में है। चीन, भारत और बांग्लादेश में क्या है इसका अपवाह क्षेत्र? ये देखो, ये तो है चीन, ये है भारत और ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये वाला बार, ये है बांग्लादेश, तो तीन देशों में इसका क्या है अफवाह क्षेत्र है। यह लगभग 1200 किलोमीटर प्रवाहित होती है, लगभग
यदि इसकी बात करते हैं तो ये भारत में, इसकी लंबाई है 1346, भारत में लंबाई 1346 किलोमीटर है, वो टोटल लंबाई कितनी है इसकी 2580 किलोमीटर है, कुल कुल लंबाई 2580 किलोमीटर और भारत में 1346 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र भारत में है 43,000 वर्ग किलोमीटर, और टोटल कुल कितना है, कुल है 5,80,000, 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का है, ये वाला भारत का है, और टोटल कितना है 2,580 किलोमीटर कुल है, तो इसमें भारत का कितना है, लगभग 3,40,000 वर्ग किलोमीटर ये भारत का है, जिसमें भारत में लंबाई कितनी है 1,346 किलोमीटर, ये भारत में इसकी लंबाई है 2,580 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। ठीक है, इस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी का नाम क्या है, सांगपो, सांगपो नदी के नाम से, नदी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी भारत में इस स्थान पर इसे शांग और दियांग नाम से भी जाना जाता है। अब ये यदि बात करते हैं इनकी जो सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुख है दिहांग, लोहित, दिसु, कोपिल या कोपली, और है मानस, और एक है धनसिरी, धनसिरी, और एक है सुबनसिरी। प्रमुख इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इस प्रकार ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद में यदि हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हम करेंगे जो दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, वो दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियां हैं, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। लेकिन उनका अध्ययन करने से पहले हम इनका वापस एक बार वर्णन कर लेते हैं। देखो, जो उत्तर भारत की नदियों में जो हमने शेष छोड़ी जो नदियां थी वो है राम गंगा, ये गंगा की सहायक नदियां हैं जो लगभग 600 किलोमीटर में प्रवाहित होती है भारत में, या गंगा में बाई ओर से, बाई ओर का मतलब होता है ऊपर की ओर से, ये प्रवाहित होने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो निम्न हिमालय से निकलती है। निम्न हिमालय का मतलब होता है लघु हिमालय से ये निकलती है। इसकी जो ऊंचाई है, उद्गम की ऊंचाई है वह 3,110 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 3,110 मीटर है। ये देखो, ये है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के पास में क्या है, निम्न हिमालय, तो इस वाले क्षेत्र से ये है निकलती है। और ये कहाँ जाके मिल जाती है, ये उत्तर प्रदेश का जो योगी जी वाला जो इलाहाबाद है वहां पे जाकर यह है मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में, ऊपर से आती है ये, लगभग 600 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई है यूपी में, इलाहाबाद में यह है गंगा में मिल जाती है, तो नाम ही क्या है, राम गंगा है। शारदा नदी महान हिमालय से, अब ये जो महान हिमालय वाला जो ये पार्ट है, इस महान हिमालय से यह निकलती है और लगभग 600 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए यह घाघरा, जो घाघरा नदी है, घग्गर नदी है, उसमें चौका के नाम से यह फेमस है। यानी जब ये घाघरा नदी में जब मिलती है तो इसको पहले नाम था चाऊका, घाघरा नदी में मिलने से पहले इसको किस नाम से जाना जाता है, चाऊका नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ मिल जाती है, घग्गर नदी में आकर यह है मिल जाती है। नंबर 3, गंडक नदी, नेपाल में जो शालिग्राम से यह फेमस है,
ये नदी जो प्रवाहित तो होती है वो नेपाल में प्रवाहित तो होती है पहले, तो नेपाल में इसको शालिग्राम कहते हैं, और जब ये भारतीय मैदान में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं नारायणी। तो नेपाल और चीन की सीमा पर लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर यह है, इसका उद्गम होता है, निकलती है, और गंगा में बाईं ओर से यानी कि ऊपर की ओर से यह मिले जाती है, और गंगा में बाईं ओर से मिलती है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, लगभग 425 किलोमीटर के आसपास। फिर बात करते हैं गोमती, गोयताल से निकलती है, यह भी हिमालय का भाग ही है, जो गाजीपुर में गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी गोसाई नाथ के उत्तर में लगभग 6770 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और लगभग 730 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई बिहार, ये कहाँ है, ये बिहार, ये देखो ये वाला है बिहार, बिहार में ये आकर किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, गोसाई नाथ के उत्तर में 6770 किलोमीटर, ये 6770 मीटर की ऊंचाई से ये प्रवाहित होती हुई, लगभग 730 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई ये बिहार में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब आती है टोस नदी, कैमूर की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश के ऊपरी भागों में जो कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहां से ये नदी तमसा कुंड नामक स्थान से यह निकलती है, जो इलाहाबाद के सिरसा के निकट है। अब ये इलाहाबाद क्या है, वही यूपी वाला इलाहाबाद है, ठीक है, ये उल्टी जाती है ऊपर की ओर, ठीक है, इलाहाबाद के सिरसा के निकट गंगा में मिल जाती है, और लगभग ये 265 किलोमीटर प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई कितनी है, 265 किलोमीटर। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र की, तो यह जो नदी है ब्रह्मपुत्र वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह भारत की सबसे बड़ी नदी, इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल, कैलाश पर्वत का जो पूर्वी ढाल है उसके पास में स्थित जो चेमायू या गंडुक जो हिमनद है, उसके पास में जो मानसरोवर झील है, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और इस नदी का नाम है सांगपो नदी, और इसके प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हैं विहांग, लोहित, दिशु, कोपिली, मानस, धनसरी, सुबनसरी। नाम याद रखना, विहांग, लोहित, दिशु, विहांग, लोहित, दिशु, कोपिली, मानस, धनसरी, सुबनसरी, विहांग, लोहित, दिशु, कोपिली, मानस, धनसरी, सुबनसरी, ये छह यानी कि लगभग 10 नदियां हैं, जिनमें से मैंने 7 के आप लोगों को नाम लिखा दिए हैं, तो इन 7 के नाम आप याद रखना। तो ये 7 क्या है, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, और इसका जो इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग है 2580 किलोमीटर है, जो चीन, भारत और बांग्लादेश में स्थित है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई है 1346 किलोमीटर, और इसका अफवाह क्षेत्र कुल कितना है, 580,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन भारत में कितना है, 340,000 वर्ग किलोमीटर यह भारत के अंतर्गत रखती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बात करेंगे हम दक्षिणी भारत की नदियों की। इस प्रकार ये हमारी उत्तरी भारत की नदियां कंप्लीट होती हैं। अब इसके जगह हम बात करेंगे दक्षिणी भारत की नदियों की, ठीक है। अब दक्षिणी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें प्रमुख है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि नदियां हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यह हमारा भारत का मानचित्र है और ये हम पढ़ेंगे दक्षिणी भारत की नदियां। दक्षिणी भारत की नदियों जिनमें मुख्य रूप से महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए पहली जो नदी है दक्षिणी भारत की नदियां हैं, दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं
वो पूर्णत है, 12 महीने बहने वाली नदियां नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं 12 मासी या नित्यवाही नदियां नहीं है, क्योंकि दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं प्रायः प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, जिनमें अधिकांश पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब ये नदियां वर्षवाहिनी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितनी भी जो नदियां निकलती हैं वो बरसात के दिनों में इनमें अधिकतर में पानी आता है, और जब बरसात खत्म हो जाती है तो इनमें पानी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गर्मी और जाड़े के महीने में इनमें पानी का अभाव होता है। गर्मी और जाड़े की जो ऋतु आती है उनमें इनमें क्या हो जाता है? पानी की मात्रा में कमी आ जाती है। लेकिन इनमें पानी की मात्रा कब ज्यादा होती है? इनमें पानी की मात्रा होती है ज्यादा, इनमें पानी की मात्रा ज्यादा वर्षा ऋतु में होती है। तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत इसमें इन नदियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ भी आते हैं। इन पे बहुत बड़े बड़े बांध निर्मित हैं जिनसे जल विद्युत की और जलापूर्ति की पूर्ति की जाती है। अब इनमें हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो नदी है पहली महानदी। महानदी, ये जो महानदी है इसका उद्गम है, ये जो महानदी है प्रमुख रूप से पहली नदी, इसका उद्गम है, उद्गम एमपी की अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। मध्य एमपी की अमर कंटक की पहाड़ियां, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं के दक्षिण में सिंधवा से निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं के दक्षिण में सिंगवा से निकलती हैं, ये नामक स्थान है सिंगवा से यह निकलती हैं, और इनकी कुल लंबाई है 851 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है जल ग्रहण क्षेत्र। आगे हम यदि बात करते हैं तो इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक कहते हैं किसको? महानदी को। उड़ीसा का शोक कहते हैं। जो इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 54% है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और लगभग 47% है उड़ीसा में है, ठीक है। इसका जो अधिकांश भाग है जो किसमें है? छत्तीसगढ़ में, और 47% भाग उड़ीसा में, और इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है या स्थित है, हीराकुंड बांध निर्मित है, ठीक है, जो बहुत बड़ा बांध है। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। देखो ये महानदी का उद्गम स्थान है एमपी की जो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं। देखो ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अब ये इस तरह ये छत्तीसगढ़ में बहती हुई बिहार, ये उड़ीसा में बहती हुई ये यहाँ पे गिरती है। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई इसकी? 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर, ठीक है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण में स्थित सिंगवा नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है पूरा 1.42% है, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये उड़ीसा का शोक कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जब बाढ़ का पानी इसी में आ जाता है तो ये उड़ीसा में जाकर क्या करता है? तांडव करता है। अब ये जो छत्तीसगढ़ के जो जिस क्षेत्र में ये बहती है वहाँ पे क्या है? ज़्यादातर वनस्पति है, जंगल है,
तो जंगलों में क्या लोग रहते हैं क्या? बहुत कम मात्रा में रहते हैं, तो विनाश भी होगा। तो छत्तीसगढ़ में किसका होगा? किसी का भी नहीं होगा। लेकिन ये जब उड़ीसा में जाती है तो ये अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, और विकराल रूप धारण करती है तो उड़ीसा में क्या होगा? जनधन की हानि होगी। तो इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। और इस नदी पर बाढ़ की तीव्रता को रोकने के लिए एक हीराकुंड बांध बनाया गया है, जिस पर सिंचाई की सुविधा, पेयजल की सुविधा और तीसरा है जलापूर्ति की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे जल विद्युत का निर्माण भी किया जाता है और सिंचाई की व्यवस्थाओं का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारी होती है। और इसका लगभग 54% भाग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और 47% भाग कहाँ है? उड़ीसा में। एमपी में तो कुछ थोड़ा सा भाग ही है इसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं महानदी गोदावरी। गोदावरी नदी उद्गम है इसका महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र जो राज्य है उसका क्या है? नासिक जिला के सह्याद्री जो पर्वत श्रेणी है, जो पर्वतमाला है, वहां से लगभग 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, 1067 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। और ये जो स्थान है और स्थान को नाम से जाना जाता है त्रियंबकम के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को त्रियंबकम नामक स्थान से जाना जाता है, या त्रियंबकम की पहाड़ियों से भी जाना जाता है। इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1465 किलोमीटर है। लंबाई है 1465 किलोमीटर और लगभग इसका जलग्रहण क्षेत्र है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब आगे हम यदि बात करते हैं इसको दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, और लंबाई में भी क्या है, इसकी सबसे लंबी नदी है। यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी और भारत की नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी, दक्षिणी भारत की तो सबसे बड़ी नदी है पहले नंबर की, और भारत में कौन सी है? ये दूसरे नंबर की है। इसके सहायक नदियों में मुख्य रूप से है प्राणहिता नंबर एक इंद्रावती नंबर दो सबरी, मंजरी या मजरा। आगे है वैनगंगा, मुला ताल, ठीक है, और एक और है पौरा, आदि सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो ये गिरती कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो महानदी भी है वो कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब ये देखो, ये जो महाराष्ट्र वाला जो स्थान है यहां पे है सह्याद्री पर्वत श्रेणी। ठीक है, और महाराष्ट्र में इसको, इस पर्वतीय श्रेणी को, पूरी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से। अभी महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है ये यहाँ से निकलती हुई
और ये यहाँ पे जाकर गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लगभग 1465 किलोमीटर है। किससे छोटी है? किससे बड़ी है? ये महानदी से भी बड़ी है। इसलिए इसको बोलते हैं कि भारत की यह है दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो जल क्षेत्र ग्रहण क्षेत्र है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये निकलती कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबक की पहाड़ियों से है, निकलती 1067 मीटर ऊंचाई से। इसकी जो सबसे बड़ी जो नदी है इसकी है दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, पैन गंगा, मुल्ला, ताल, पवरा आदि इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इस नदी का जो अध्ययन है वो हम वैष्णव गोदावरी या विशिष्ट गोदावरी के नाम से भी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कृष्णा नदी की ओर। कृष्णा नदी है ये भी क्या है? दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी है। ये भी कहां से निकलती है? लगभग महाराष्ट्र से होकर ही यह निकलती है। देखिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, यह हमारी क्या कौन सी आ गई? ये महा, ये गोदावरी। अब आती है कृष्णा नंबर 3 पे, 1, 2 और 3 कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, यह भी कहां है? महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट में 1327 मीटर ऊंचा, कौन सा? महाबलेश्वरम से, महाबलेश्वरम से निकलती है। इसकी प्रमुख 10 सहायक नदियां हैं जिनमें है सहायक नदी मालप्रभा पहली है। मालप्रभा के बाद में घाट प्रभा, नाम याद रखना घाट प्रभा। फिर आती है वरना, फिर आती है मूसी, पंचगंगा, दूध गंगा, प्रमुख है। इसकी कुल लंबाई लगभग इसकी कुल लंबाई है लगभग 1401 किलोमीटर लंबाई और जल ग्रहण क्षेत्र है 251230 वर्ग किलोमीटर है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट। अभी देखो यहां पे कौन सा है? नासिक जिले की त्र्यंबकम की पहाड़ियां हैं और ये ही कौन सी आ गई? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की 1326 मीटर ऊंची जो महाबलेश्वरम की जो चोटी है, ये पर्वत की चोटी है महाबलेश्वरम, इससे ये निकलती हुई ये यहाँ पे जाकर गिरती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। और 10 इसकी सहायक नदियां हैं जिनमें प्रमुख है मालप्रभा, घाटप्रभा, वरना, मूली, पंचगंगा, दूध गंगा, ये प्रमुख हैं। और ये 1401 किलोमीटर लंबी है और 251230 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। अब आती है कावेरी नदी भी क्या है? दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी है। ये लो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य की जो कुर्ग जिला है,
कुर्ग जिला से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। लेकिन कुर्ग जिले में भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, पहले होती हैं सह्याद्री की और फिर सह्याद्री में भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, गिरी की पहाड़ियां, यो से क्या है इसका उद्गम है। उद्गम होने के बाद में यह लगभग कावेरी नदी की लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर लंबाई है और यह है लगभग तमिलनाडु तमिलनाडु कर्नाटक और केरल में प्रवाहित होती है। केरल में 3% भाग है इसका, 41% कर्नाटक में है और जो बच गया वो कहाँ है, कर्नाटक में है। और बच गया जो 45% कहाँ है, वो 55% कहाँ है, यह है तमिलनाडु में, ठीक है 55%। इसका जो कुल प्रभाव क्षेत्र है वो कहाँ है, लगभग तमिलनाडु कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु में 55, कर्नाटक में 41 और केरल में 3%। इस नदी के जल पे हमेशा लड़ाई होती रहती है। किस नदी के जल पे, कावेरी नदी के। और कावेरी नदी का जो सर्वाधिक जल क्षेत्र ग्रहण वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु है और तमिलनाडु और कर्नाटक में लड़ाई होती रहती है। क्यों, क्योंकि ये कर्नाटक से जब निकलती है तो कर्नाटक में इसका भाग कितना है, 41%। यदि कर्नाटक इस नदी का यदि पानी रोक लेता है, यदि ये कर्नाटक राज्य है ये यहाँ पे है, यदि ये पानी इसका रोक लेता है तो ये तमिलनाडु में क्या होता है, इसका पानी पहुंच नहीं पाता। अब ये केरल में इसका ये भाग है, थोड़ा सा कर्नाटक में निकलते हुए ये केरल में होती है, ये केरल यहाँ पे है, केरल में होती हुई ये बहती है, तो केरल में कितना प्रतिशत भाग है, 3%। तो यदि कर्नाटक यदि इसका संपूर्ण पानी रोक लेता है तो तमिलनाडु में पानी कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। तो इसमें इस नदी पर क्या है, जल विवाद है, जल विवाद है। पानी का जो बंटवारा से संबंधित जो विवाद होता है उसे कहते हैं जल विवाद। कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे, क्योंकि तमिलनाडु में 55 और कर्नाटक में 41 और केरल में 3% है। क्योंकि कर्नाटक से तो ये नदी निकलती है तो इसका कर्नाटक बोलता है कि ये नदी हमारे से यहाँ निकलती है तो इस पे अधिकार किसका होगा, हमारा होगा। लेकिन तमिलनाडु क्या बोलता है कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारे इस पे अधिकार ज्यादा है। तो इसके पानी का बंटवारा किस तरह किया जाए, तो इसका जो मामला है वो कहाँ पे है, जो नदी जल बोर्ड होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, जो भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है, सबसे ऊंचा जो न्यायालय है, जिसकी अपील सबको माननी पड़ती है, जिसका निर्णय सबको मानना पड़ता है, वो सर्वोत्तम या सर्वोत्तम न्यायालय, उसमें इसका विवाद है, ठीक है। अभी इसकी लंबाई हमने ज्ञात कर ली कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर, और ये तमिलनाडु कर्नाटक केरला राज्य में बहती हुई है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 72,520 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में प्रमुख रूप से हैं लक्ष्मण तीर्थ नंबर एक, हेमवती, स्वर्णावती, हेमवती, स्वर्णावती, लोकपावनी, लोकपावनी, भवानी, सिमसा, सिमसा, अमरावती आदि प्रमुख है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, ये कावेरी नदी भी पूर्ण होती है। और कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक
दृष्टिकोण से, कौन से दक्षिणी भारत की गंगा गंगा कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कावेरी नदी तक कंप्लीट होता है। अब कावेरी नदी के बाद में आती है तुंगभद्रा नदी। चार नदियां हमने फेमस फेमस रूप से पढ़ी हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। ठीक है, सीरियल नंबर से पहली कौन सी है, महानदी है। पहली है महानदी, दूसरी है गोदावरी, तीसरी है कृष्णा और चौथी है कावेरी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कावेरी है। आगे हम यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से कई नदियां और हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। एक है साबरमती, कौन सी है, साबरमती। उद्गम कहाँ है इसका, राजस्थान के जो जैसमंद झील है, उदयपुर की जैसमंद झील। ठीक, और फिर ये कहाँ जाके गिरती है, लगभग ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। कितनी किलोमीटर लंबी है, लगभग ये 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर लंबी है। फिर आ जाती है लूनी नदी, लूनी नदी। ठीक है, अरावली के आना सागर, अरावली की आना सागर झील से, आना सागर झील से यह निकलती है, 320 किलोमीटर लंबी है ये, किलोमीटर लंबी। और ये कहाँ जाकर गिरती है, यह लूनी नदी जाकर तो अरब सागर में गिरने वाली है, लेकिन यह बीच में ही अंतर प्रवाहों में सूख जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो नदी है वो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो नदी है वो कृष्णा की सहायक है, कृष्णा जो नदी है कृष्णा की सहायक है। ठीक, उद्गम कहां से होता है, उद्गम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से, कर्नाटक का जो चिकमंगलूर जिला है वहां से, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 1200 मीटर की ऊंचाई से होता है। टोटल इसकी लंबाई है लगभग 645 किलोमीटर लंबाई। ग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर है। और सहायक नदियां हैं ओक और वर्धा तुंगभद्रा, सहायक नदी है ओके, कुमुदावती, कुमुदावती और एक है वर्धा तुंगभद्रा, वर्धा तुंग भद्रा। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदी है और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से निकलती है लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर, लेकिन कौन सा घाट है ये, पश्चिमी घाट। ठीक है, और 645 किलोमीटर लंबाई है और 71,417 वर्ग किलोमीटर है, और सहायक नदी ओक, कुमुदावती, वर्धा और तुंगभद्रा है। इसके अलावा एक नदी और है, वो भी देख लो, इसके अलावा एक नदी और है वो भी देख लो।
भीमा नदी है। भीमा नदी है कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक है। ठीक, उद्गम इसी पश्चिमी घाट से और प्रवाहित तो होती है महाराष्ट्र और आंध्रा में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित। ठीक, आगे जलग्रहण क्षेत्र कितना है, लगभग 76,614 वर्ग किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। एक आती है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा नदी, यह है झारखंड का छोटा नागपुर का पठार से यह निकलती है। लंबाई है 395 किलोमीटर। ठीक है, याद करने की कोशिश करना। जलग्रहण क्षेत्र 19,296 वर्ग किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। फिर एक है ब्राह्मणी नदी, उद्गम है नदी का उद्गम कोयल से है। ठीक, शेख नदी मिलती है इस नदी में, तालचर, लंबाई है लगभग 705 किलोमीटर लंबाई, और जलग्रहण क्षेत्र 36,300 किलोमीटर। याद कर लेना इनको, कंप्लीट है हमारी ये नदियाँ। इस प्रकार जो हमारी उत्तरी भारत की नदियाँ और जो दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम यदि आगे अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के साथ में जिन पॉइंटों को हम इसके अंतर्गत इंक्लूड करेंगे वो नदियाँ हैं, वो जो नदियाँ आ जाएंगी वो नदियाँ भू जल संसाधन के अंतर्गत हम उनको रखेंगे। तो जो नदियाँ वाला जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट होता है, और जो अब आगे वाला जो वीडियो बनेगा वो भारत में जो पाई जाने वाली जो झीलें हैं उनका बनेगा। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद। यदि फिर भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आया वो चैप्टर तो क्लास में आओ, समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल, जो राजस्थान की कम्पिटिटिव एग्जाम होती है, कम्पिटिशन जो एग्ज़ाम होती है उनमें 100% इसका सिलेबस आता है। तो भारत के भूगोल को आप मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि आगे फिर पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब तो आपके ये जो सब्जेक्ट हैं वो या तो टीचर पढ़ा देगा या फिर आप खुद भी पढ़ लोगे, तो आपकी शंकाओं का संशोधन कौन कर देगा? हम कर देंगे, लेकिन बाद में कोचिंग लेते फिरोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन जो टॉपिक्स हैं उनको अभी से अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, एक नहीं हज़ार बार समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।